अरे गाइस ये तो फुल हो गई। हाँ तो चलो खाली करते हैं। ए, यहाँ नहीं सोसाइटी ऑफिस चलते हैं, पर पहले भीड़े अंकल और अय्यर अंकल को बुलाते हैं। हाँ। मैं बाबा को कॉल करके बता देती हूँ। नहीं 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 सोसाइटी ऑफिस नहीं जाना है, हम दानपेटी पंडाल में ही खोलेंगे। बोला गणपति बाप्पा। रख दो जगह पे। और एक लेटर है, इस पे तो चेक भी है। आजाराम, अरे क्या हुआ? क्या हुआ अंकल? ये तो 21 लाख का चेक है। कहीं ये सपना तो नहीं? नहीं गोली, ये देख सच है। ओ तेरे 21 लाख। ओ बल्ला 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 बल्ला। थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू थैंक यू। ओके खड़े हां। अरे भाई साहब, अंदर कोई नाच रहा है क्या? नहीं कोई नहीं नाच रहा है, लेकिन इतने बड़े अमाउंट का चेक किसने दिया होगा? हाँ। लगता है बहुत अमीर आदमी होगा और धार्मिक भी, इसने तो इतना बड़ा दान किया है। सच में ये तो कमाल ही हो गया, 21 लाख रुपए। अरे ये तो सच में बहुत बड़ा अमाउंट है, अनबिलीवेबल। अरे अय्यर अंकल, अब तो बिलीव करना पड़ेगा, चेक हमारे हाथ में है। क्या है? अरे तो चिट्ठी है सर, पढ़िए बड़े अंकल। प्रिय गोकुलधाम वासियों, सबको नमस्कार। नमस्कार। अरे वासु तो दे। गोकुलधाम के गणपति बापा की कृपा से मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया है, इसलिए मैं गोकुलधाम के राजा को अपनी ओर से 21 लाख रुपए का दान कर रहा हूँ। और मैं मानता हूं कि जब आप दाएं हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए मैं अपनी पहचान छुपा रहा हूं, ये मेरा गुप्त दान है। तो कहीं भी ये मत कहना कि 21 लाख का चेक किसी ने भेंट में दिया है, यही कहना कि ये नेक कार्य गोकुलधाम सोसाइटी वाले अपनी ओर से कर रहे हैं, मुझे किसी भी बात का श्रेय नहीं चाहिए। गणपति बाप्पा ज्ञान के देवता, बुद्धि के राजा है, इसलिए मेरी विनती है कि आप इन पैसों का इस्तेमाल जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में करें। और हाँ, बाप्पा के विसर्जन के एक दिन पहले करना। और आप सबसे एक विनती है कि मेरा नाम पता जानने की कोशिश मत करना। गोकुलधाम के राजा का भक्त गणपति बाप्पा। बस बस 5 मिनट और, 5 मिनट। कमाल है, नहीं इतना बड़ा दान किया है लेकिन अपना नाम नहीं बताना चाहता। हाँ वरना लोग 100 रुपए का दान करते और 1000 बार दिखाते हैं। आत्माराम, हमको एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाना पड़ेगा और पूरा सोसाइटी को ये बात बताना पड़ेगा। हाँ, और अभी के अभी बतानी पड़ेगी। नहीं नहीं टप्पू, अभी के अभी ये बात किसी को नहीं बतानी है, अगर ये बात फैल गई तो उसका उल्टा असर पड़ सकता है। मैं काम करता हूं, आज रात को आरती के बाद ये चेक वाली बात सबको बता दूंगा।
तब तक टपू ये चेक और ये लेटर आयर संभाल के रखना। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये चेक वाली बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। टप्पू तुम चाचा जी को नहीं बताओगे और आई को नहीं बताना है। हो बाबा। हाँ बोलो बबीता। ओहो अरे मैं तो भूल ही गया था कि हमको मौसमी के यहाँ पर गणपति दर्शन के लिए जाना है। ओके ओके एक मिनट मैं आता हूँ। आधारम मेरे को बबीता के साथ बाहर जाना है तो मैं निकलता हूँ। ठीक है लेकिन याद रखना ये। हाँ डोंट वरी मैं किसी को नहीं बोलेगा। चलो फटाफट गिनो और तुम लोग अभी पासों की गिनने लग जाओ। अय्यर चलो और कितना टाइम, हमें मौसमी के घर में जाना है ना दर्शन के लिए, फिर हम लेट हो जाएंगे ना। हाँ बस दो मिनट में अभी तैयार हो जाएगा। पर इतना टाइम क्यों लगा? वो दान पेटी फूल हो गया था ना तो उसका हिसाब कर रहा था और 21 क्या 21 21 21 21 बार पापा का नाम लेने से ना सुख शांति मिलता है ऐसा मेरे को आत्माराम बोला, तो मैं 21 बार पापा का नाम ले रहा था इसलिए लेट हो गया। अच्छा ओके ओके चलो अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज। हाँ, ये आत्माराम ने चेक का जिम्मेदारी मेरे को किधर दे दिया, अब इसको कहाँ रखूं? मेरा पैंट की जेब में रखता है। क्या हुआ तुम इतने डर क्यों गए? ओ बबीता तुम अचानक मेरे सामने आ गए ना इसलिए मैं थोड़ा डर गया था, बाकी कुछ नहीं। श्योर? श्योर श्योर। ठीक है तुम जल्दी से तैयार हो जाओ मैं बैंगल निकाल लेती हूँ। अरे ये पैंट तुमने कल पहना था ना? मैं इसे वॉशिंग मशीन में डालना ही भूल गई, मैं भी डाल के आती हूँ। अरे बबीता इसको वॉश करने का जरूरत नहीं है। क्यों? वो मैं कल पहनेगा इसको। तुम दूसरा पहन लेना ना। मैं इसे धो देती हूँ। ठीक है ठीक है एक मिनट। ये क्या है? ये लेटर है, वो बॉस ने मेरे को लिखने के लिए बोला था। अच्छा अच्छा वैसे ये एनवेलप काफी प्यारा है। हाँ घर में एनवेलप नहीं था, मैं वही सोच रही थी कि मौसमी के घर में भेंट चढ़ाने के लिए एनवेलप तो चाहिए, तो हम लोग इसे यूज कर लेंगे है ना। नहीं ये कवर नहीं दे सकते। क्यों? बबीता हम रास्ते से दूसरा नया कवर ले लेंगे, अभी फटाफट चलो रात को जल्दी वापस भी आना है। क्यों? वो गणपति की आरती के बाद बहुत अर्जेंट मीटिंग है। मीटिंग किस लिए? वो रंगारंग कार्यक्रम का मीटिंग है। हाँ अच्छा ठीक है तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके दो अभी इस चेक को अपने ही पास रखना पड़ेगा, जल्दी से रात हो जाए और आत्माराम सबको इस चेक के बारे में बता दे। रात को जब मैं इस चेक के बारे में सबको बताऊंगा तब सबके होश उड़ जाएंगे। क्या किस्मत है देवा, 21 लाख का चेक मिलने से खुशी होनी चाहिए लेकिन मुझे टेंशन हो गया, इसने दिया होगा ये चेक। मैंने मस्त वके उकड़ी से मोदक बनाए हैं। कहाँ खो गए? चेक में। हे चेक कर रहा था। क्या वो उकड़ी से मोदक बहुत अच्छे बने, एकदम परफेक्ट शेप है। वहां देख के आप चेक कर रहे थे उकड़ी से मोदक कैसे बने हैं? ये यहाँ है। अरे देखने की जरूरत ही क्या है माधवी, तुम बरसों से बना रही हो, मैं तो बिना देख के बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छे बने हैं। अच्छा मीका मिंटे आज रात को भोग में उकड़ी से मोदक ही चढ़ाएंगे, पापा एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। हाँ पापा खुश हो जाएंगे और सब शौक। शौक शौक क्यों होंगे सब? अरे शौक नहीं गई, शौक शौक मतलब भोग चढ़ाने के बाद सारे मोदक शौक से खाएंगे। अस ओह अच्छा, अस मतलब
शौक से खाएंगे। तेज बंटला मी इसे शौक में क्यों होंगे। मो बरोबर है पटला नतला कड़ा नतला। हाँ 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 देखो कितने अच्छे लग रहे हैं मोदक। अच्छा चेक किया आपने? कौन सा चेक? चेक मुझे चेक वाला चेक नहीं हो, आप दान पेटी भर गई थी इसलिए नीचे गए थे ना पैसे निकालने के लिए, तो आपने चेक किया कि कितने पैसे हैं? हाँ चेक और कैश मिला के 21 लाख। 21 लाख? क्या कहीं पर देखते क्या 21 लाख कुटे? मैंने बोला चेक किया हमने कैश तो पता चला 70,846 रुपए है। इतनी राशि जमा हुई है? होगी ना, इतनी गर्दी जो थी पापा को देखने के लिए, हमारे पापा है ही ऐसे। आहो आप इतने टेंशन में क्यों हो? नहीं नहीं टेंशन मतलब ऐसा कुछ खास टेंशन नहीं है, लेकिन क्या है ना इतनी बड़ी रकम मैं घर में लेके आया हूँ ना तो थोड़ा सा। इश क्या टेंशन घे सर, वो पापा के पैसे है कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है मैं और उकड़ी के मोदक बनाती हूँ ताकि प्रसाद में सबको यही बांटेंगे। हाँ 21 बन गए हैं, अभी और 100 बनाऊंगी ना तो 121 हो जाएंगे। हाँ क्या चलो? हाँ नहीं आप ठीक हो ना? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जाओ तो पेड़े बनाओ मोदक। हाँ हाँ वही वही मोदक बना। बस अभी जल्दी आज रात को सब आरती के वक्त मिले तो मैं 21 लाख की चेक की बात सबको बता दूं। इतनी बड़ी अमाउंट का चेक किसने डाला होगा? हाँ सुबह जब लोग दर्शन के लिए आ रहे थे तब हमें ध्यान देना चाहिए था। क्यों हुआ? तुम इधर क्या देख रहे हो? वो तो मैं देख रहा था भेंट क्या चढ़ा रहे हो। क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं, गोगी मजाक कर रहा है, आप प्लीज कंटिन्यू। बोले मजाक? गोगी क्या कर रहा है? वो मैं तो ध्यान दे रहा हूँ, कौन क्या भेंट में डाल रहा है? फिर से कोई 21 लाख का चेक? आराम से फिर से किसी ने 21 लाख का चेक डाल दिया तो? गोगी ठंड रात तो ऐसे करेगा ना तो सबको 21 लाख के चेक के बारे में पता चल जाएगा। इतना बड़ा चेक डाला किसने होगा? हाँ क्या हुआ टपू से ना इतना टेंशन में क्यों? अरे अब्दुल भाई वो क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो एक्चुअली काफी टाइम से हम लोग यहाँ पर है ना तो थोड़ी देर के लिए हमें अपने घर जाना था, हम लोग जल्दी आ जाएंगे, तब तक आप पंडाल संभालोगे? हाँ हाँ मैं हूँ ना मैं संभाल लूंगा। हाँ थैंक यू अब्दुल भाई। थैंक यू। तो गाइस मैं भी अपने घर चलता हूँ, शाम में आरती में मिलते हैं। चलो बाय 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 बाय। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती रत्न खचित फरा तुज गौरी कुमरा चंदनाची ऊटी कुमकुम केशरा हिरे जड़ित मुकुट शोभ तो बरा ऋण झुण तीनो पूरे चरणी घागरिया गणपति बाप्पा से वेट करोगी तो मुझे मोदक खाने को भी दे। मोदक इस बार एकदम आपके जैसे बने हैं। मत कुछ गुड माधवी भाभी। हाँ किधर है? हाँ ये यहाँ पर इस साइड में आइए ना प्लीज। ओ अच्छा। थैंक यू। क्या वो अदरम क्या लगता है ये चेक किसने दिया होगा?
मैं भी वही सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि खुश हो कि दुखी हो। अरे मैं भी ऐसा ही फील कर रहा हूँ। भाई ये भिड़े हाँ खुसुर पुसुर क्या कर रहा है आप? जो बात बताना चाहता है वो बता दे सबको। तुम्हें पता है मैं क्या बात करने वाला हूँ? मुझे क्या, यहाँ पे जितने लोग मौजूद है सबको पता है। अरे कायता कायता क्या कर रहा है? तूने सुबह बोला था ना कि शाम की आरती के बाद मैं सबको रंगारंग कार्यक्रम के बारे में बता दूंगा। अच्छा अच्छा वो हाँ, तो अब बता। हाँ बताता हूँ। भीड़ मास्टर एक मिनट, तुम अपनी बात बताना शुरू करो, उससे पहले माधवी भाभी ने जो प्रसाद में उकड़ी चे मोदक बनाए वो खा ले। आतिफ्रा ओ जी गुड आइडिया, ओ बच्चो ओ मुझे प्रसाद बांट दो। अच्छा तो सुनिए साहब, ब्रिटिश मास्टर और चाहिए? नहीं नहीं ये बार रख दू ना। हाँ सुनिए सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे भिड़े आज के पहले कभी ऐसा हुआ है कि हमने तेरी बात ध्यान से ना सुनी हो? सही बात। फिर भी मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ हाँ बराबर, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ 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 मैं तो सिर्फ पोपट लाल रहना तो ना क्यों भाई। पर मैं अदरम अभी प्लीज बताओ भाई। सब लोग ध्यान से सुनिए, फाइनली भिड़े रंगारंग कार्यक्रम के बारे में बता रहा है। नहीं नहीं पोपटलाल ये रंगारंग कार्यक्रम की बात नहीं है। लो बोलो, अभी तो बोला सब ध्यान से सुनिए और अभी बोल रहा है कि रंगारंग कार्यक्रम की बात नहीं है। मतलब अगर रंगारंग कार्यक्रम की बात नहीं होगी तो क्या ध्यान से नहीं सुनोगे? अरे ऐसी बात नहीं है, तू पहले ये बता कि तूने इस बार रंगारंग कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। शुभ शुभ बोलो पोपटलाल, बिना रंगारंग कार्यक्रम के मजा नहीं आएगा। नहीं 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 रंगारंग कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उससे भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। हाँ और ये बहुत ही जरूरी बात है। तुम्हें पता है? हाँ मुझे क्या टबू देना को भी मालूम है। हमें भी पता है। बोलो भीड़े को पता है, अय्यर भाई को पता है, टप्पू सेना को पता है, पर कमिटी मेंबर होने के नाते सिर्फ मुझे ही नहीं पता। अरे तुम्हें बताना चाह रहे थे पोपटा, लेकिन तुम काम से गए थे। ए, काम से बाहर गए थे ना, अभी ये सब जाने दो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ देखो मैं जो बात बताने जा रहा हूँ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी से जुड़ी हुई है। ओए पिड़ू खबरदार, अगर किसी ने भी गोकुलधाम सोसाइटी विच मुसीबत लाने की कोशिश की वो मैं पहले कह देता हूँ मैं उन्हें छटा ले। अरे शांत हो जा भाई। थोड़ी थोड़ी शांत हो जा भाई, वैसी कोई बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये जो बात है वो एक तरह से खुशी की बात है। वाह खुशी की है, वाह पिड़ू दी हो गए, वाह भाई वाह, वाह पिड़ू दी हो। अरे अरे सोडी पहले बात तो जान लो। हाँ ये भी ठीक है, बता बता पिड़ू गल की है। तो बात दरअसल ये है, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। प्रसाद, गणपति बप्पा मोरिया। हाँ तो बात ये है, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अब बता। देखिए एक काम करते हैं, हम लोग मेहता साहब के घर चलते हैं, मैं वहां पे बताता हूँ कि बात क्या है। क्यों मेहता साहब के घर पे क्यों? जेठालाल मैंने बोला ना बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है,
यहाँ पे क्या है, सोसाइटी के बाहर के लोग दर्शन करने आते रहते हैं ना, तो उनके सामने नहीं बता सकता, इसलिए बोल रहा हूँ मेहता साहब के घर जाते हैं और वहाँ पे बताता हूँ मैं। ऐसी क्या बात है? तो मुझे क्या मालूम, मुझसे पूछ। मतलब ऐसी क्या बात है? हाँ। तुम वहाँ पे चलो तो सही, बताता हूँ ना मैं। सब मेरे घर पे चलिए। हाँ। हाँ। हाँ, आप लोग जाइए, लोग दर्शन करने आ रहे हैं ना, तो हम लोग यही रुकते हैं। भाई ये तो कमाल हो गया, गोकुल धाम की दान पेटी में 21 लाख रुपए का चेक आ गया है। 21 लाख रुपए का चेक देखकर टप्पू सेना, भिड़े और अय्यर सारे के सारे दंग के दंग रह गए। और भिड़े अब हमें ये बात बताने वाला है, मुझे पूरा यकीन है ये सुनकर हम भी हक्के बक्के रह जाएंगे। आखिर ये कौन है जिसने 21 लाख रुपए का चेक दान पेटी में डाला है? क्योंकि उसके साथ एक लेटर भी मिला है जिसमें उसने साफ साफ लिखा है कि उसे इस बात की कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए और ना ही उसका नाम आना चाहिए। देखा जाए तो ये गोकुल धाम वालों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि गोकुल धाम के गणेश जी में श्रद्धा रखकर ही किसी ने इतना बड़ा चेक डोनेशन में दिया है। लेकिन साथ में एक बड़ी टेंशन भी है कि कहीं किसी ने हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मजाक है, क्योंकि आजकल सोने की चेन, सोने का मुकुट चढ़ाना बहुत ही आम बात है, तो हो सकता है कि किसी ने 21 लाख का चेक भी चढ़ाया हो। अब देखना यह है कि जब ये रास पर से पर्दा उठेगा तब गोकुल धाम वालों के साथ क्या होगा, महिला मंडल, पुरुष मंडली, उनका क्या रिएक्शन होगा। दोस्तों आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। इसमें है पूरे 21 लाख रुपए का चेक। दिखा दिखा दिखा, देखो देखो देखो। अरे भाई पहले मुझे देखने दे। अरे पहले मैं देख लूंगा तो की फर्क पड़ जाएगा। अरे सोडी पहले मैंने लिया है तो मुझे देखने दे, बाद में देख लेना। पर मैं वड्डा हूं ना पप्पू, मेनू मैंने देखने दे। इसमें वड्डा छोटा क्या होता है भाई, देखने दे भाई। अरे तू भी क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, देख। मैं कर रहा बच्चों जैसी हरकतें तो तू दे मेनू।